हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्मार्ट कुक चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीषा है। आज मैं आलू छोला की सब्जी बना कर के दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। देरी ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने एक चमचा तेल ले लिया है, इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है। इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे। हमारा जीरा भुन गया है। इसमें मैं दो तेज पत्ता डालूंगी, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, इसे डालूंगी मैं, एक बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज, इसे एक मिनट के लिए पकाएंगे। ये भी तैयार हो गया है। एक टमाटर बारीक कटा हुआ, इसे अच्छे से चलाएंगे। अब मैं अदरक और लहसुन बारीक पिसा हुआ डालूंगी, एक मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम मसाला ऐड करेंगे। अब हल्दी डालेंगे एक चम्मच, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला। अब अच्छे से चलाएंगे। तब तक मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक पकाएंगे। हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें मैं आलू का घोल डालूंगी। ये अच्छे से चलाएंगे। मैंने छोला उबाल के तैयार करके रखा है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। मिक्स कर लिया था मैंने। अच्छे से चलाएंगे इसको। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छे से चलाएंगे। अब मैं इसमें मैगी मसाला डालूंगी। अच्छे से चलाएंगे। अब हरा धनिया डालेंगे। अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी। आप देख सकते हैं मेरी कितनी अच्छी लग रही है सब्जी। और आप भी अपने घर पे बनाइए और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी सब्जी। और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपका सुझाव का इंतज़ार रहेगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।